बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए टीकमगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था करने को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु पिछले वर्ष कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रशासनिक अव्यवस्था एवं अमानवीय राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होने के कारण कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया था। इस बार स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से संबंधित कोई समस्या न हो, इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में लोगों को कोरोना उपचार संबंधी सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले वर्ष हम सब ने टीकमगढ़ के हर एक व्यक्ति ने ये हालात देखे थे कि अव्यवस्था के कारण कोविड के मरीज कितने ज़्यादा बढ़ गए थे और कितने परिवारों ने अपने परिजनों को उसमें खो भी दिया था। आज हम लोग पिछले साल भी इसकी लड़ाई लड़ते रहे और आज भी इतने समय से हम इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज भी हम ये कहने की ये मांग करने आए हैं कि जो भी व्यवस्थाएँ उस समय हम लोगों से वादा की गई थी, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था, बेड दुरुस्त करने की व्यवस्था, ज़्यादा से ज़्यादा कोविड मरीजों को जो दवाइयाँ और इन सब ये उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जो उस समय प्रशासन ने हमसे वादा किया था, वो उस समय भी वो पूरा नहीं कर पाई थी और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है। हमने आज प्रशासन आदरणीय कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देके उनसे ये निवेदन किया है कि आप जल्द से जल्द कोरोना की व्यवस्थाएँ दुरुस्त करने की तैयारी करना शुरू करें। और जिस प्रकार से हम पूरे देश में ये देख रहे हैं कि अब पिछले तीन दिनों में तो हमने तीन गुनी केस बढ़ते हुए देखे पूरे देश में, कभी 62,000 से सीधे 90,000 केस पहुंच जाते हैं, आज शायद 1,00,000 के ऊपर केस पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से जिस तेज़ी से कोरोना के केस इस देश में बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा ये समझ रहा हूं मैं कि टीकमगढ़ में बहुत बहुत जल्दी इसका ब्लास्ट होने वाला है। तो पिछले साल जैसे ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसी कोई भी दिक्कतें हमारे लोगों को ना आए, इसलिए ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का काम करें। देखिए, आज युवक कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें हमारे प्रदेश सचिव महासचिव शाश्वत सिंह मंदेला जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन ऐसा दिया गया कि जो अपने यहाँ कोविड की तैयारियाँ चल रही हैं, उसमें सबसे पहले तो हम लोगों की सबकी डिमांड है कि सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन जल्दी से जल्दी चालू हो, वहाँ पर जो पर्याप्त जाँच की सुविधाएँ चालू हो। जो पिछली बार जो दिक्कतें हुई थी, इस बार हम सभी इसमें लगे हुए हैं कि ये दिक्कतें नहीं आएँ, पब्लिक को सफिशियंट पर्याप्त संसाधन मिलें, डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में हो, रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता हो, जो फेविफ्लू टैबलेट है, जितनी भी आवश्यक नेसेसरी दवाइयां हैं वो शासन पहले से उनको उपलब्ध करा के रखे, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्थाएं करवाए, कंसंट्रेटर वगैरह पर्याप्त रखवाए। ये सब सारी चीज़ों की मांग करने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। मैं मेडिकल सेल से हूँ, प्रदेश चेयरमैन हूँ डॉक्टर SR उपाध्याय, और आप सबके सामने जो हमारे शाश्वत सिंह मंदेला जी ज्ञापन देने आए हैं वो साथ में है। आप ये बता दें कि 30 बेड 35 बेड तो आपने मैंने अपनी लाइफ के हॉस्पिटल का भी अधिकृत करवाया है शासन को, जिसमें 35 बेड हमने अपने तरफ से दिए हैं शासन को, जिसमें सारी ऑक्सीजन ICU दवाइयां सरकार हमें उपलब्ध करवाएगी। आयुष्मान कार्ड से सबका जो इलाज है वो फ्री होगा, उसमें पेशेंट को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, शासन हमको वो देगी, पेमेंट करवाएगी। उसमें लाइफ के हॉस्पिटल है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, संचालक हूँ, और भी जिले के हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन करके जो अस्पताल हैं अधिकृत करवाए हैं, 4 अस्पताल हैं, जिसमें राय मल्टी स्पेशलिटी है, देव सुधा शिवालय है, सिटी हॉस्पिटल है और लाइफ के हॉस्पिटल है। तो पिछली बार भी हम लोगों ने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।